आज से 500 साल पहले चित्तौड़ की धरती पर 8000 राजपूतों का 60000 मुगलों से भीषण युद्ध हुआ। एक ऐसा युद्ध जिसमें एक ही दिन में चित्तौड़ की धरती पर 48000 योद्धा काल के काल में सिमट गए। वो युद्ध जिसमें मात्र 8000 राजपूतों ने 40000 मुगलों को काट डाला। तो आइए आज हम जानते हैं वीरता की वो कहानी जब चित्तौड़ में तीसरा जौहर हुआ। एक ऐसी कहानी जिसमें चित्तौड़ी सेना अपने से 8 गुनी बड़ी सेना से भिड़ गई। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और आप लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्त था 15वीं शताब्दी का। अकबर ने अपनी तमाम सेनाओं के साथ मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। चित्तौड़ के मुख्य सेनापति फतेह सिंह जी चूड़ावत अर्थात पत्ता जी ने अकबर की चुनौती स्वीकार की। अपने जीजा जयमल जी मेड़तिया को तमाम सेना के साथ चित्तौड़ बुला लिया। खबर मिलते ही मेड़ता के जंगजू योद्धा जयमल जी मेड़तिया ने कूच कर दिया। जयमल जी के भतीजे कल्ला जी राठौड़ भी 200 राठौड़ों के साथ चित्तौड़ पहुंच गए। सभी 8000 राजपूत किले में तैनात और सभी दरवाजे बंद और इंतजार अकबर का। आधी रात तक किले को चारों तरफ से अकबर ने घेर लिया। अकबर ने आते ही किले पर तीरों को बरसाना शुरू किया पर ऊंचे किले की दीवारों तक तीर पहुंच नहीं सके। फिर अकबर ने तोप लगाकर वार किया परंतु तोप के गोले भी किले की दीवारों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अकबर के तीरों के जवाब में राजपूतों ने भी तीरों से वार किया और कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा परंतु कोई परिणाम निकला नहीं। इधर अकबर की सेना भयानक गर्मी और राजपूतों के तीरों से परेशान बौखलाए हुए अकबर ने सुरंग खोदने का आदेश दिया ताकि सुरंग में बारूद भर किले की दीवारों को तोड़ा जा सके। परंतु जो भी मुगल सुरंग खोदने के लिए निकट जाता राजपूत वीर उसे वही मिट्टी में मिला देते। किले के निकट मुगलों की लाशों का अंबार लग गया परंतु एक भी मुगल किले को छू तक नहीं पाया। तीरों भालों के डर से अब एक भी मुगल सिपाही किले के निकट जाने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद अकबर ने अपने सैनिकों से कहा, सल्तनत के सिपाहियों, अगर तुमने सुरंग खोद डाली तो मैं तुम्हारे घर सोने से भर दूंगा। इस आदेश को पाने के बाद धन के लालची मुगल जमड़े की ढाल लेकर निकल पड़े। अब इन ढालों पर राजपूतों के तीर बेअसर हो रहे थे पर जंग जिनका खेल हो वे यूं खफा नहीं होते। इसके लिए राजपूतों ने दूसरा रास्ता निकाला और सुरंग खोद रहे मुगलों पर खोलता हुआ तेल उड़ेल दिया। राजपूतों के इस रूप को देखकर अकबर अपना सर पटकने लगा। अकबर ने हर तरीका अपना लिया परंतु ना तो किले का कुछ बिगाड़ पाया और ना ही राजपूतों का बाल भी बांका कर पाया। हर कोशिश नाकाम होने के बाद अकबर ने जयमल जी मेड़तिया के पास अपना दूत भेजा और जयमल जी से कहा, जयमल तू क्यों अपने प्राण महाराणा और मेवाड़ के लिए लुटा रहा है? तू चित्तौड़ को मेरे कब्जे में होने दे, मैं तुझे तेरे मूल प्रदेश मेड़ता और चित्तौड़गढ़ का राजा बना दूंगा। पर अडिक जयमल जी मेड़तिया ने अकबर का प्रस्ताव ठुकरा दिया और जवाब भेजा। जयमल जी ने वापस कहा, कह दो उस आतंकवादी से मेरी मृत्यु तक ये संभव नहीं और आज या तो तू नहीं या मैं नहीं, और अगर तू जीत भी गया तो तेरा हाल हार से बुरा होगा। जय मां भवानी, हर हर महादेव। एक रात युद्ध रुकने का ऐलान होने के बाद जयमल जी किले की दीवारों की मरम्मत करवा रहे थे। अकबर ने देख लिया और धोखेबाज मुगल ने गोली दाग दी जो सीधे जयमल जी के पैर में जा लगी। जयमल जी के गोली लगने के बाद राजपूतों में क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। सभी ने एक साथ युद्ध करने का प्रण किया। महिलाएं जौहर के लिए तैयार हो गई। एक एक कर राजपूत माताएं जौहर कुंड में कूद पड़ी। रात भर 8000 राजपूत जौहर कुंड के पास बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। धधकते चित्तौड़ से आग की लपटें उठ रही थी। अकबर ने ये देख अपने खेमे से पूछा, ये क्या है? टोडरमल ने जवाब दिया, जब राजपूत को पता हो वे संख्या में कम है और युद्ध नियति बन जाए तो उनकी माताएं जौहर में कूद जाती है और पुरुष रणभूमि में खुद को मरा हुआ समझकर दुश्मन के लिए मौत बन जाता है। कल अंतिम युद्ध होगा, दुर्ग के फाटक खुलेंगे और रणभूमि में हर राजपूत वीर काल बनकर आएगा, या तो मिटेगा या मिट जाएगा। ये बात सुनकर अकबर घबरा गया और अपनी सारी सेना दुर्ग के द्वार पर लगा दी। सुबह होते ही दुर्ग का द्वार खुला। केसरिया रंग में नहाए हुए सभी राजपूत वीरों के आंखों में खून था और कूद पड़े मैदान में अपनी जान देकर आन बान शान बचाने के लिए और जोर से उद्घोष हुआ, जय मां भवानी, हर हर महादेव। चारों तरफ तलवारें लहराई। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होते ही
राजपूत वीरों ने कत्लेआम मचा दिया। फाटक खुले, किले के भीतर से लावा फूट पड़ा। एक एक राजपूत भूखे सिंगों सा टूट पड़ा। जयमल जी के पांव पर चोट लगने के कारण वे घोड़े पर नहीं बैठ पाए, इसलिए वे कल्ला जी राठौड़ के कंधे पर बैठ कर आए। जयमल जी और कल्ला जी की लहराती तलवारें शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काटने लगी। दो पैर चार हाथ से कल्ला जी राठौड़ और जयमल जी मुगलों पर कहर बरपा रहे थे। भयभीत अकबर दूर से देख रहा था, युद्ध में आया नहीं। पत्ता जी, कल्ला जी और जयमल जी जैसे वीरों ने मुगलों की सेना को रक्त रंजित कर दिया। इन राजपूत शेरों ने युद्ध में कोहराम मचा दिया। 8,000 राजपूत 60,000 मुगलों पर भारी पड़ रहे थे। युद्ध समाप्त हुआ, कुल 48,000 योद्धा मारे गए, जिसमें से सभी 8,000 राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए, तो बदले में 40,000 मुगल मौत के घाट उतार दिए गए। बचे तो सिर्फ अकबर के साथ 20,000 मुगल। भारी नुकसान के बाद अकबर ने जब चित्तौड़ में प्रवेश किया तो चित्तौड़ में उसे एक रुपए का खजाना भी हाथ नहीं लगा, और उस अकबर महान ने अपनी महानता दिखाते हुए सारा गुस्सा चित्तौड़ की आम हिंदू जनता पर निकाला, और एक दिन में 30,000 हिंदुओं को मार दिया गया, 120 मंदिरों को तोड़ दिया गया, महिलाओं की आबरू लूट ली गई। और ये अकबर महान, ये महान थे, ऐसे थे महान अकबर महान, जिसको लोग महान अकबर कहते हैं। जय राजपूताना, जय मेवाड़, जय जय राजस्थान।